गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आज हम करेंगे इंग्लिश 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 25, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड, द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और जो ऑथर है, ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं वो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स हैं, मतलब उनको एनिमल्स पसंद हैं। ही हैड हिज प्राइवेट जू इन विच ही कैप्ट अ टोर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड अ गोट। उनके पास खुद का एक प्राइवेट जू है, चिड़ियाघर है, जिसमें वो रखते हैं एक टोर्टोइज, रैबिट्स, खरगोश, स्क्वायरल और गोट। वंस ही बोट टोटो अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। एक बार क्या होता है, जो टोटो ले आते हैं, वो टोटो एक मंकी का नाम है, किससे? टोंगा ड्राइवर से, 5 रुपये में। ही वॉज प्रिटी मंकी बट वेरी नोटी एंड डिस्टर्बिंग। जो मंकी था वो बहुत ही प्रिटी था, बट उसके साथ साथ ही वो बहुत नोटी और डिस्टर्बिंग भी था, मतलब शैतानियाँ करता था। ऑथर्स ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट वेन एवर ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू एनिमल्स और बर्ड। जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा गुस्सा करती थी जब भी ग्रैंडफादर जो थे वो एक नया एनिमल या पक्षी लेके आते थे। फॉर दिस रीजन टोटोज अराइवल वॉज कैप्ट अ सीक्रेट। इसी कारण जो टोटो जो घर में आया था उसको सीक्रेट रखा गया था, किसी को बताया नहीं था कि वो घर पे ले आए हैं। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून। एक दिन क्या हुआ, जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे उनको देहरादून के लिए जाना था फॉर सम वर्क, सो ही टुक टोटो अलोंग इन अ कैनवस किट बैग। तो क्या हुआ, वो टोटो जो मंकी था वो उसको अपने साथ ही ले गए, किसके अंदर? कैनवस किट बैग के अंदर। ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू द नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर। रास्ते में ही, ट्रेन में ही क्या हुआ कि जो टोटो मंकी था उसने जो बैग था, किट बैग था कैनवस का, उससे अपना फेस बाहर निकाल लिया। तो क्या हुआ, देयरफॉर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज अ फाइन। क्योंकि एनिमल्स अलाउड नहीं होते हैं रेलवेज़ में, ट्रेन्स में, तो ग्रैंडफादर को फ़ाइन देना पड़ गया, कितने रुपये? 3 रुपीज़। When Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable. जब Toto मतलब family के अंदर accept करने लग गए, उसको लोग पसंद करने लग गए, तो उसको घर मिल गया, कहाँ पर? Stable में। There he kept troubling Nana the family donkey. जो नाना जो था वो एक donkey का नाम है, उसके साथ Toto रहने लगा stable में। He enjoyed warm water bath in cold winter evening. Whenever he went to take bath, he checked the temperature of water first, then took bath, as he had seen grandfather doing so. जो टोटो था वो बाथ लेने से पहले सर्दियों में क्या करता था, टेम्परेचर चेक करता था, क्योंकि उसने ग्रैंडफादर को देखा था ऐसे करते हुए। He was always up to some or the other mischief. जो टोटो था वो हमेशा ही शैतानियाँ करता रहता था, नई नई चीज़ें ढूंढता था शैतानियाँ करने के लिए। ही टोर द कर्टेन्स, क्लोथ्स, वॉलपेपर एंड ब्रोक द डिशेस। मतलब वो कभी कर्टेन्स को फाड़ रहा है, कपड़ों को, जो वॉलपेपर्स लगे हैं उनको, और बर्तन को तोड़ रहा है। टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप अप फॉर लॉन्ग। टोटो मतलब एक ऐसा पेट नहीं था जिसको रख सकते हैं घर पर, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था, डिस्टर्ब करता था और सब कुछ तहस महस करता रहता था। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न्ड हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। लास्ट में क्या हुआ, जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको लौटा दिया उसी ड्राइवर को जिससे उन्होंने लिया था 3 रुपीज़ में। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी वर्कशीट कर लेते हैं पैसेज के आंसर। तो जैसे कि फर्स्ट देख सकते हैं आप, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो हमने पढ़ा कि इसके जो ऑथर हैं वो हैं रुस्किन बॉन्ड, ये आ जाएगा हमारा थर्ड। तो सेकंड है, टोटो वॉज प्रिटी मंकी बिकॉज ही हैड ब्राइट आइज। तो बी का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, वॉज अट्रैक्टिव। सी है, ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू
कहाँ पर लेके गए थे? टू देहरादून इन कैनवस बैग। फोर्थ आ जाएगा, डी है हमारा, व्हेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड ही वॉज प्लेस्ड अलोंग विद नाना द फैमिली डोंकी इन अ स्टेबल। थर्ड आ जाएगा, एक सेकेंड, डी का आ जाएगा स्टेबल। हाँ जी, तो ई है टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वॉटर व्हेन ही टेक बाथ, तो इसका आ जाएगा चेक्ड, सेकेंड आ जाएगा। एफ है हमारा, वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगो ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर, तो इसका आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि देवर नॉट वेल टू डू, टोटो ब्रॉक डिशेस, टोटो टोर कर्टेन्स। नेक्स्ट है हमारा, टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर, इसका आ जाएगा फॉर लॉन्ग, थर्ड आ जाएगा। एच है हमारा, वट वुड यू हैव डन विथ टोटो इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंड फादर, मतलब आप क्या करते अगर आप ग्रैंड फादर की जगह होते, तो मुझे तो लगता है कि खरीदते ही नहीं, नेवर बॉट हिम, थर्ड आ जाएगा। आई है हमारा, टोटो वॉज मिसचीवियस मंकी बट देन शुड वी सेल लीव द एनिमल्स इफ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, इज इट एथिकल टू डू सो, तो मुझे इसका आंसर लगता है कि नो आना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका ध्यान ही नहीं रख सकते तो उसको हम खरीदे ही क्यों, तो अगर हमने खरीद भी लिया है तो हमें उसको फर्दर सेल नहीं करना चाहिए, तो इसका एथिकल तो नहीं है, तो इसका आंसर नो आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 25, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी और भी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।